आज आपको मैं बताता हूँ जॉकी पंप के बारे में। देखिए हमारे पास एक जॉकी पंप है, किस तरह से जॉकी पंप है। तो फायर फाइटिंग फील्ड में जो जॉकी पंप होता है वो एक सेम जॉकी पंप होता है, बट स्प्रिंकलर के लिए अलग जॉकी पंप होता है और हाइड्रेंट के लिए अलग जॉकी पंप होता है। बहुत सारे केस में क्या होता है कि एक ही जॉकी पंप कॉमन होता है, बस स्प्रिंकलर के लिए में भी इस्तेमाल होगा और हाइड्रेंट में भी इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास जो जॉकी पंप है वो कॉमन है, वो स्प्रिंकलर लाइन में भी जाएगा और हाइड्रेंट लाइन में भी जाएगा। इन केस अगर लाइन में कोई हाइड्रेंट खोलता है या कोई होज रील खोलता है तो हमारा जॉकी पंप है जो ऑटो में रहता है, उस टाइम हमारा जॉकी पंप स्टार्ट होगा। अगर एक आधा स्प्रिंकलर फूटता है, पानी का प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उस टाइम भी सबसे पहले हमारा जॉकी पंप ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जो जॉकी पंप है कॉमन दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रेंट में और स्प्रिंकलर में। पर बहुत सारे केस में अलग अलग इस्तेमाल होता है, स्प्रिंकलर जॉकी अलग, हाइड्रेंट जॉकी अलग। इन केस अगर स्प्रिंकलर फूटता है तो उस टाइम पर आपका स्प्रिंकलर जॉकी स्टार्ट होगा, और अगर हाइड्रेंट कोई खोलता है या हाइड्रेंट होज रील कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उस टाइम पर आपका जो हाइड्रेंट का स्प्रिंकलर होगा, सॉरी हाइड्रेंट का जॉकी पंप होगा, वो स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास एक जॉकी पंप है, नॉर्मल फंक्शन है जॉकी पंप का कि सबसे पहले हमारा जॉकी पंप ही स्टार्ट होगा अगर कहीं कुछ वाटर का डिमांड होता है। और ये हमेशा ऑटो में रहता है, ऑटो में चालू होगा, ऑटो में बंद होगा। आपका इसके अलावा जो भी पंप है सब मैनुअल, चालू ऑटो हो जाएगा बट बंद होगा मैनुअल में, पंप रूम में आके आपको बंद करना पड़ेगा। बट जॉकी पंप का ऐसा नहीं है, ये अगर प्रेशर ड्रॉप होता है तो चालू हो जाएगा और जैसे ही इसका प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हमारा जॉकी पंप जैसा कि आप देख रहे हैं सक्शन हेडर है, तो सक्शन हेडर से हमने एक वहाँ पे बटरफ्लाई डाला है, उसके बाद एक स्टेनर डाला है, स्टेनर के बाद सीधे हमारा जो जॉकी पंप का सक्शन लाइन है उसमें कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ से डिलीवरी लाइन हुआ है, ये डिलीवरी लाइन निकला है। उसके बाद यहाँ पे NRV लगा हुआ ऊपर में, नॉन रिटर्न वाल, और उसके जस्ट नीचे हमने साइफन दे करके 15 mm का बॉल वाल दे करके एक यहाँ पे प्रेशर गज लगा हुआ है। यहाँ पे अभी प्रेशर शो नहीं कर रहा है क्योंकि जब ये पंप चालू होगा उस टाइम पे यहाँ पे प्रेशर शो करेगा कितना प्रेशर है। अभी यहाँ पे NRV लगा है, जैसा कि जानते हैं NRV नॉन रिटर्न वाल, इसका मतलब है कि पानी को एक ही फ्लो में बहने देगा, ऊपर से नीचे की ओर पानी नहीं आएगा। क्यों लगा रहे हो थोड़ा बता देते हैं आपको। जब यहाँ से पंप हमारा चालू हुआ, पानी ऊपर की ओर गया प्रेशर में, उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारा पंप बंद होगा तो बैक प्रेशर, वो जो वो आगे का जो बैक प्रेशर रहेगा वो यहाँ से अगर नहीं लगाते हैं तो इंपल्लर पे आएगा और मोटर हमारा फिर से दूसरी डायरेक्शन में नाचने लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है, NRV लगाते हैं कि जो भी हमारा हाई प्रेशर वाटर है वो यहीं तक रहे, यहाँ से नीचे नहीं जाए। इसके लिए यहाँ पे NRV मैक्सिमम पंप में आप 99% पंप में देखोगे कि डिलीवरी में एक NRV जरूर लगा होता है। उसके बाद ऊपर एक बटरफ्लाई वाल, आइसोलेशन वाल, गेट वाल, आप जो भी लगा सकते हैं ऊपर में। उसके बाद सीधा कनेक्ट है हमारा डिलीवरी हेडर से। अभी बटरफ्लाई इसलिए है ताकि इन केस अगर कुछ होता है तो यहाँ से आप इसको क्लोज करिए, यहाँ से क्लोज करिए, वहाँ से एक बटरफ्लाई क्लोज करिए, और पूरा पंप को अगर हटाना है, कुछ चेंज करना है, NRV चेंज करना है, कुछ अगर खोल खाल के करना है तो मेंटेनेंस पर्पज से ये दोनों वाल को आप बंद करिए और बंद करके यहाँ से इसको हटा सकते हैं। स्टेनर बहुत सारे जगह पर आप देखे होंगे, स्टेनर बहुत सारे टाइप का, टी टाइप का पॉट स्टेनर, बाई स्टेनर, ए टी टाइप का स्टेनर है हमारा। स्टेनर का काम इतना ही है कि जो भी पानी से कचरा आता है उसको कलेक्ट करना, और इसको जब 2 या 3 महीने में एक बार इसको खोल करके और इसको जो भी कचरा है वो बाहर निकाल लिया जाता है। तो हमारा जॉकी पंप है। जॉकी पंप का थोड़ा पहले मोटर का मैं दिखा दूँ आपको स्पेसिफिकेशन कि क्या क्या है मोटर का। देख लीजिए मोटर का हमारा है किलोस्कर का है, और यहाँ पे बोल्ट दिख रहा होगा 7.5, ये 7.5 किलोवाट का है, 7.5 किलोवाट का है। वोल्टेज देख लीजिए कितना, 415 लेगा। H1 ड्यूटी H1 का है, इफिशियंसी 88% है। जैसा कि जानते हैं कोई भी चीज़ 100% इफिशियंसी पे नहीं चलता है, 88% इसका 88.1% इफिशियंसी है। एक कॉमन ये देखिए कनेक्शन दिया हुआ है इसका डेल्टा, ये डेल्टा कनेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, तो इसमें जो कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है। ये बैरिंग का DE और NDE, ये बैरिंग का डया दिया हुआ है, DE जो इस साइड आपका इंड साइड में रहेगा और
NDE जो आपका दूसरा साइड में बैरिंग का दिया हुआ है, जो इंपलर का बैरिंग लगा हुआ था उसका डया दिया हुआ है। तो ये तो हो गई मोटर की। अब देखते हैं थोड़ा पंप का स्पेसिफिकेशन। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पंप का दिया हुआ है, शायद आपको थोड़ा चमक रहा होगा, इसमें दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे पंप दिया हुआ है। टोटल हेड है जो 60 मीटर है, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल हेड 60 मीटर है। ये हेड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेड के बारे में बताते हैं आपको। हेड दिया हुआ है, स्पीड है इसका 2900 RPM है इसका। यहाँ पर साइज दिया हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर साइज दिया हुआ है सक्शन और इसका डिलीवरी का 30-50, यानी जो 50 mm का आपका ये है सक्शन और 32 का इसका डिलीवरी है। ये जो होल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सक्शन है 50 mm का और डिलीवरी है 32 mm का। अभी हेड दिया हुआ है 60 मीटर। तो 60 मीटर हेड का मतलब है कि जॉकी पंप कितना भी देर हम लोग चला लें 6 kg से ज़्यादा प्रेशर नहीं देगा पंप रूम में। अगर आपका हेड 90 मीटर है तो 9 kg तक मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड कर पाएगा आपका जो जॉकी पंप है, पंप का कैपेसिटी है। अगर 30 मीटर हेड है तो 3 kg प्रेशर से ज़्यादा पंप बिल्ड नहीं करेगा। तो हेड को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है सबको कि हेड क्या होता है पंप में। तो हेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंप में और बहुत सोच समझ के सिलेक्शन किया जाता है हेड का। इनकेस आपका 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो 3 फ्लोर का बिल्डिंग है यानी बिल्डिंग का हाइट हो गई अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर। तो 10 मीटर आपकी हाइट हो गई, तो जैसा कि आप जानते हैं ड्यू टू ग्रेविटी लॉस 10 मीटर पे 1 kg का प्रेशर ड्रॉप होता है, 1 kg का प्रेशर ड्रॉप होता है। तो पंप रूम में अगर 4 kg प्रेशर है तो जो हमारा 3 फ्लोर के बाद जो टेरिस पे प्रेशर रहेगा वो 3 kg रहेगा, 1 kg प्रेशर लॉस होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस हिसाब से पंप का हेड कैलकुलेशन किया जाता है कि हमें टेरिस पे कितना प्रेशर चाहिए। और अगर हमें मान लीजिए कि हमारा टेरिस पे हमें चाहिए 4 kg प्रेशर, तो हम ऐसा और कितना फ्लोर का बिल्डिंग है वो कैलकुलेट करके इसका पंप का हेड कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारे जॉकी पंप के बारे में है। और यहाँ से हम लोगों ने एक पाइप दे दिया है ड्रेन करने के लिए, जो इसका ग्लैंड से पानी टपकता है ना, अभी भी हल्का हल्का गिर रहा होगा और हल्का पानी इसका ग्लैंड से आना ही चाहिए। फुल टाइट नहीं करिएगा, नहीं तो नहीं चलने पे क्या हो जाता है, इसका साफ्ट जाम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जॉकी पंप क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जॉकी पंप आपका फायर फाइटिंग में सबसे पहले चालू होने वाला पंप है। सबसे पहले अगर स्प्रिंकलर फूटता है तो स्प्रिंकलर जॉकी चालू होगा। हाइडेंट अगर कहीं कोई खोलते हैं या होजरील खोलते हैं तो उस टाइम पे हाइडेंट जॉकी चालू होगा। बहुत यहाँ पे हमारा कॉमन जॉकी है हाइडेंट के लिए भी और स्प्रिंकलर के लिए भी। इसका जो हेड है वो 60 मीटर है, इसका डेल्टा कनेक्शन है, 6 kg तक प्रेशर बिल्ड करेगा। ये ऑटो में चालू होगा और ऑटो में बंद होगा। इसका जो हमने प्रेशर रखा है 5 kg पे हमारा चालू हो जाएगा और 6 kg पे बंद हो जाएगा। 7 kg कर नहीं सकते क्योंकि उतना प्रेशर बिल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो बंद नहीं हो पाएगा। तो इसको हमने रखा है 5 kg पे चालू हो जाएगा और 6 kg पे बंद हो जाएगा। 5 kg पे ऑटो में चालू हो जाएगा और ऑटो में 6 kg पे बंद हो जाएगा।